मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता लहरों का निमंत्रण का अध्ययन करेंगे। बच्चन जी का परिचय मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। अब मैं आगे लहरों का निमंत्रण कविता की पंक्तियों का भाव समझाऊंगी। कवि बच्चन यह भी कहते हैं कि याद उन्हीं को किया जाता है जो जीवन की बाधाओं से जूझते हुए शहीद होते हैं। इसलिए जीवन में सफलता से भी अधिक महत्व निष्ठा के साथ संघर्ष करने का है। जो संघर्ष करते हैं वे हर हाल में सफल माने जाते हैं, क्योंकि अगर वे मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें सफलता का गौरव प्राप्त होता है, और अगर वे संघर्षों से जूझते हुए बलिदान होते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण बन जाते हैं। कविता प्रभावपूर्ण भाषा में लिखी गई है और प्रेरणादायी है। आशा और उल्लास का पूरा आनंद तभी आता है जब दोनों भावनाओं को इनके विरोधी वेदना भाव के साथ रखकर देखा जाता है। कविता का मूल भाव आशा, उल्लास और नवनिर्माण है, जिसकी आधारशिला बच्चन जी ने वेदना भाव के साथ रखी है। कभी एक दिन समुद्र किनारे पर रात के समय टहल रहे थे, उनके मस्तिष्क में अनेक भावों का जमघट था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न भावनाओं को अपने काव्य में अभिव्यक्त करते हैं। वे किसी विषय से बंधे नहीं हैं। जीव और जगत के जो भी विषय उनकी संवेदना को झंकृत कर दें, उसी विषय को वे अपने काव्य का जामा पहनाने में सिद्ध हस्त हैं। प्रस्तुत कविता लहरों का निमंत्रण उनकी परिस्थिति जन्य भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। जिस तरह मरुके हृदय में है कहीं लहरा रहा सर, जिस तरह पावन पवन में है पपीहे का छिपा सर, जिस तरह अश्रु आहों से भरी कवि की निशा में नींद की परियां बनाती कल्पना का लोक सुखकर, सिंधु के इस तीव्र हाहाकार ने विश्वास मेरा है छिपा रखा कहीं पर एक रस पर पूर्ण गायन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के आशा उल्लास से संपन्न गीत लहरों का निमंत्रण की इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आशा उल्लासमयी भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रकृति के समान उनके हृदय में भी रसमयता और मधुरता का विधान छिपा है। इसी अनुभूति को कवि यहाँ व्यक्त कर रहा है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान के हृदय में कहीं सरोवर छिपा है और वो किसी भी रूप में फूट पड़ता है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बहने वाले वायु में पपीहे का स्वर छुपा रहता है, जिस प्रकार कवि की आंसुओं और आहों से भरी रात्रि में नींद की परियां आकर कल्पना का सुख संपन्न लोक रच देती हैं, उसी प्रकार समुद्र की महान गर्जना के मध्य में मेरे विश्वास का मधुर गीत छिपा हुआ है। मैं तीर पर कैसे रुक सकता हूँ, मुझे समुद्र की लहरें आमंत्रित कर रही हैं। बच्चन जी ने इन पंक्तियों में अपने निजी एकाकीपन की पीड़ा को व्यक्त किया है। पत्नी की मृत्यु के बाद उनके वियोग में कवि की रातें रो रोकर आहों के साथ बीतती थी। उन विषादपूर्ण रातों में भी स्वप्न की परियां आकर नई नई दुनिया की रचना करती थी। यही विश्वास कवि के मन में बैठ गया है कि निराशा और अंधेरे के हृदय में कहीं ना कहीं आशा उल्लास का निवास है। नेत्र सहसा आज मेरे तम पटल के पार जाकर देखते हैं रत्न सीपी से बना प्रासाद सुंदर है खड़ी, जिसमें उषाले दीप कुंचित रश्मियों का, ज्योत में जिसकी सुनहरी सिंधु कन्याएं मनोहर, गूढ़ अर्थों से भरी मुद्रा बनाकर गान करती और करती अति अलौकिक ताल पर उन्मत्त नर्तन, तीर पर कैसे रुकू मैं आज लहरों में निमंत्रण। इन पंक्तियों में बच्चन जी ने अपने मानसिक आनंद उल्लास और आशा आकांक्षा को व्यक्त किया है। निशा निमंत्रण के बाद अब उन्हें अंधेरे में से जीवन का प्रकाश फूटता नजर आता है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वे जीवन से निराश और एकांत से भी हो गए थे। लोगों ने दूसरे विवाह का आग्रह किया तो वे धीरे धीरे बेबी जीवन के उत्सव में सम्मिलित होने को तत्पर दिखाई देते हैं। कवि की ऐसी ही मानसिकता इन पंक्तियों में झलक रही है। कवि बच्चन कहते हैं कि आज मेरे नेत्र इस निराशा के अंधेरे को चीर कर समुद्र के गर्भ में रत्नों और सीपियों से बना सुंदर राजमहल देख रहे हैं। नेत्रों में आशा का सागर लहरा रहा है जो ग्रस्त के सुख सपनों के ताने बाने बुन रहा है। उस रत्न और सीपियों से निर्मित भवन में स्वयं उषा घुंघराती बलखाती किरणों का दीपक हाथ में लेकर मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी है। उन प्रभा रश्मियों के प्रकाश में समुद्र की सुंदर मनोहर स्वर्णमयी कन्याएं अपने मधुर कंठ से गूढ़ अर्थों से भरे गीतों को गा रही हैं।
वे अत्यंत अलौकिक ताल पर मस्त होकर नृत्य कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं तीर पर कैसे रुक जाऊं? समुद्र की लहरें मुझे मनोवांछित प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का निमंत्रण दे रही हैं। कवि का उत्साह और उनकी मानसिकता प्रसन्नता देखते ही बनती है। संपूर्ण सागर और उसका परिवेश उनके भावी सुखद जीवन का स्वागत कर रहा है। स्वयं उषा सुंदरी सूर्य रश्मियों का दीपक जलाकर उस भव अलौकिक भवन में उसका स्वागत करने को आतुर है। दीप कुंचित रश्मियों का मैं रूपक का निर्वाह है और संपूर्ण छंद में प्रतीकात्मकता का सौंदर्य है। मौन हो गंधर्व बैठकर श्रवण इस गान का स्वर वाद्य यंत्रों पर चलाते हैं नहीं अब हाथ किन्नर। अप्सराओं के उठे जो पग उठे ही रह गए हैं कर्ण उत्सुक नेत्र अपलक साथ देवों के पुरंदर। एक अद्भुत और अविचल चित्र सा है जान पड़ता देव बालाएं विमानों से रही कर पुष्प वर्षण। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। इन पंक्तियों में आशा उल्लास में जीवन की ओर प्रयाण का संकेत देने वाले गीत लहरों के निमंत्रण की इस कविता में ये बताया गया है कि कवि अपने आंतरिक एकाकी शून्यपन में आनंदोल्लास का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मानो समुद्र में कहीं सपना का सुंदर भवन है। मां समुद्र की कन्याएं उनका स्वागत करने को खड़ी हैं, गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। स्वर्ग के देवता इंद्र और उनके कलावंत गंधर्व किन्नर और अप्सराएं भी इस स्वागत समारोह को देख रहे हैं। यही उल्लास का परिवेश यहाँ चित्रित है। डॉक्टर बच्चन कहते हैं कि मैंने समुद्र के उस पार अंधेरे को चीर कर एक भवन देखा जिसमें उषा सुंदरी दीपक जलाए उसका स्वागत करने खड़ी है तथा समुद्र कन्याएं लोक गीत में तल्लीन है। इस कलात्मक समारोह को देख सुनकर स्वर्ग के कलावंत गंधर्व भी मौन होकर बैठ गए हैं। किन्नौरों ने अपने वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया है। उनके हाथ वाद्य यंत्रों पर स्वतः ही थम गए हैं। देवताओं के साथ स्वयं इंद्र के कान उस संगीत को सुनने के लिए और नेत्र अपलक हो देखने को उत्सुक हो गए हैं। वहां एक अद्भुत और अविचल चित्र सा उपस्थित हो गया था। देव बालाएं विमानों पर चढ़कर पुष्प वर्षा कर रही थी। ऐसे जीवन उत्सव को त्याग कर मैं यहाँ समुद्र के किनारे कैसे ठहर जाऊं? मुझे तो ये लहरें आगे बढ़कर इस समारोह में मुख्य व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए निमंत्रित कर रही हैं। मनुष्य के अपने हृदय में ही आशा है और उसके हृदय में ही निराशा है। जब कवि के मन से अवसाद के बादल छटने लगे तो समुद्र के किनारे एकांत में खड़े रहकर उसने संसार में प्रवृत्ति का सुंदर चित्र देखा। उसे लगा कि लहरें उसे आमंत्रित कर रही हैं और इस संसार में तुम्हारे लिए पर्याप्त भोग्य है, अतः जीवन को आशा आह्लाद से भर लो। यहाँ पर बच्चन जी ने जीवन में होने वाली आशा और निराशा का बहुत ही सुंदर पंक्तियों में अपनी इस कविता के अंदर चित्रण किया है और यही बताया है कि मनुष्य के जीवन में आशा निराशा सुख दुख आते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को पूर्ण रूप से हताश नहीं होना चाहिए बल्कि उस निराशा का सहनशीलता के साथ सामना करते हुए और आगे आने वाले सुखों के लिए अपनी कल्पना करनी चाहिए जिससे कि उसका जीवन सुंदर बन सके।